शिवपुरी के लिए आज ऐतिहासिक दिन है। शिवपुरी में 29 साल बाद फिर से जंगलों में दहाड़ेंगे बाघ। इस इतिहास को पुनर्जीवित करने के लिए एक ऐतिहासिक कार्यक्रम शिवपुरी में होने जा रहा है। तो आज हमारे साथ मौजूद है कोलास के पूर्व विधायक महेंद्र यादव जी। हम जानेंगे किस तरीके से, क्योंकि इस पूरे इतिहास में, इस पूरे कार्यक्रम की रूपरेखा को बनाने के लिए हमारे क्षेत्र के सांसद ज्योतिराज सिंधिया जी, जिन्होंने काफी प्रयास किया है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, जिसके बाद आज शिवपुरी में फिर से 29 साल बाद पुनः इन बाघों की स्थापना की जा रही है। शिवपुरी को टूरिज्म के पटरी पर लाया जा रहा है, जिससे शिवपुरी के विकास हो और टूरिज्म को लेके हम आगे बढ़ सकें। तो एक लंबे समय बाद 29 साल बाद दोबारा से बाघों की गूंज शिवपुरी के जंगलों में सुनाई देगी, तो इसके लिए किस तरीके से तैयारी की जा रही है? आप यहाँ विशेष अतिथि के रूप में तमाम लोग बाहर से आ रहे हैं, एक बड़ा कार्यक्रम शिवपुरी में इतिहास की नगरी में हो रहा है, इस पर आपका क्या कहना? महाराज साहब ज्योतिराज सिंधिया जी हमेशा ही शिवपुरी और ग्वालियर संभाग के विकास के लिए, यहाँ की हर काम जो लोगों के काम में आ सके उसके लिए हमेशा प्रयास करते रहे। यहाँ जितने भी बड़े काम हुए वो सब सिंधिया जी की कृपा से हुए। उनके मन में हमेशा शिवपुरी के लिए एक विशेष प्रेम है, इसीलिए वो चाहते थे कि ये नेशनल पार्क जो है इसमें शेर आए, यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा टूरिज्म यहाँ पहुँचे और लोगों को उससे रोजगार मिले। इसके लिए वो काफ़ी दिनों से प्रयत्न कर रहे थे और आज बड़े महाराज की जयंती पर ये विशेष तोहफा यहाँ शिवपुरी को मिल रहा है। और इसके साथ साथ सभी ये नई योजना जो एक और बहना योजना का भी जो वो है उसका भी वो करने आ रहे हैं, मुख्यमंत्री जी भी आ रहे हैं, सभी क्षेत्र की कॉलेज की पूरी विधानसभा की हमारी जनता हमारे साथी सब यहाँ पहुँच रहे हैं और सब ऐतिहासिक स्वागत मुख्यमंत्री जी और महाराज का करेंगे, उनको तहे दिल से धन्यवाद दें। कहीं ना कहीं एक बड़ी योजना मुख्यमंत्री की लाडली बहना योजना भी है, जिसका भी शुभारंभ आज बड़े स्तर पर यहाँ पर हो रहा है। इस पूरी योजना को जिस तरीके से आज से काफ़ी साल पूर्व जब शिवराज सिंह मुख्यमंत्री रहे लाडली लक्ष्मी योजना आई थी, इसी तरीके से इस चुनावों से पहले गेम चेंजर योजना के तहत देखा जा रहा है कि जिससे इस पूरी योजना में गेम चेंजर योजना के क्या क्या इसके लाभ हैं और किनको इनका लाभ मिलेगा? पहले मुख्यमंत्री जी ने आदिवासियों के लिए 1,000 रुपये सब्जी भाजी के रूप में चालू किए थे, वो निरंतर आज 5 साल से उनको मिल रहा है। उससे कई ऐसी समाज के लोग थे, कई महिलाएं ऐसी थी, उनको लगता था कि शायद हमको इसका लाभ नहीं मिले। इस सब को देखते हुए मुख्यमंत्री जी ने ऐतिहासिक फैसला लिया है कि सभी, चाहे वो किसी भी समाज की महिला हो, सभी को इसका फायदा मिला है। और पूरे मध्य प्रदेश की 22 साल से लेकर के और 60 साल तक की महिलाओं को, चाहे वो किसी भी समाज से आती हो, उनको सबको इसका लाभ मिलेगा। 1,000 रुपये महीना यानी 12,000 रुपये प्रति साल, और घर में अगर 4 महिलाएं हैं तो समझ लो सबको ही 12,000 तो 48,000 रुपये प्रति साल उनको मिलेगा। तो कहीं ना कहीं एक परिवार का उससे एक जो छोटा मोटा खर्चा है, जो छोटी मोटी जरूरत है, वो पूर्ति है। तो आपने देखा किस तरीके से यहाँ पर हम जो मौजूद है, पूर्व विधायक महेंद्र सिंह यादव जी के निवास पर मौजूद है, यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता मौजूद है जो आज इतिहास बनाने के लिए इस नगरी में आए हैं। मैं अजरा सक्सेना, शिवपुरी,